हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ सीरीज। और इस सीरीज में पहले वीडियोस में शेयर कर रहा था कि जो मैं डे टू डे चैलेंजेस फेस करता था अपनी एजेंसी के लिए, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मैं डे टू डे जो सारी चीज़ें करता था वो सारी आप सबके साथ शेयर करता था। बट सम हो बीच में मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। बीच में बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आ गए थे, टीम बिल्ड कर रहे थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए बीच में। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए, उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। जल्दी में मेरा फेसबुक अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ों में यार फंसा हुआ था। बट अभी मैं फिर से टाइम निकाल रहा हूँ और आप लोगों को मैं फिर से सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अभी इस टाइम जिस टाइम मैंने ये टाइम आपको जो वीडियोस नहीं दिए, इसमें मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब बिजनेस को लेके। और ये सारे एक्सपीरियंस इतने वैल्यूएबल थे कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए मुझे। तो आज ना हम एक टॉपिक को लेके बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल में ही मैं कुछ क्लाइंट से बात कर रहा था। अभी ना हमने कुछ ज्वेलर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैं क्लाइंट की नेश सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर कोई यहाँ पर इंटेलिजेंट बंदा है ना, वो समझ सकता है कि मैं उन जो निश के बारे में बात कर रहा हूँ उसको पोटेंशियल है। और आप भी उस तरह के निश के क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप जाके उनको अपना प्लान, अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लान पिच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हाल में डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अभी वो नई चीज़ क्या है, जैसे आप सब फ्रीलांसर्स या फिर डिजिटल एजेंसी ओनर्स, आप लोग क्या करते हो, जब भी एजेंसी स्टार्ट करते हो ना, आपको किसी भी तरीके का क्लाइंट मिले आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोच हो, कंसल्टेंट हो, आप उसके साथ काम स्टार्ट कर देते हो। बट अभी डिजिटल मार्केटिंग में नई चीज़ हो रही है, आप लोगों को पता है क्या? अभी मैं हाल में एक अपने मेरे क्लाइंट है, ज्वेलर है और काफ़ी बड़ा ब्रांड है उनका। जी हाँ, उनका काफ़ी बड़ा ब्रांड है और बहुत सारे एरियाज में उनका प्रेजेंस है। अभी मैं ब्रांड का नाम एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, बट आप इतना समझ सकते हैं कि वो ब्रांड काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा नाम है उस ब्रांड का मार्केट में, ठीक है। तो वो किसी एक एजेंसी से बात कर रहे थे, वो दिल्ली बेस्ड एजेंसी थी। वो एजेंसी सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स के लिए ही बिजनेस कर रही थी, मतलब ज्वेलर्स के लिए ही डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी। तो उनका प्रोसेस कैसे था, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ज्वेलर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, फेसबुक गूगल एड्स रन करते हैं। और उनको एग्जैक्ट उन्होंने मुझे प्रपोजल दिखाया था कि उनको किस तरह का प्रपोजल आया था। वो प्रपोजल मेरे पास अभी है तो नहीं, बट मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ उसमें था क्या। बेसिकली वो 30 पोस्ट दे रहे थे हर महीने और अराउंड 10 से 15 रील्स दे रहे थे। वो प्रोडक्ट फोटोशूट भी करते थे, मतलब अगर कोई उनके लोकल एरिया का ज्वेलर है तो उसका कर देते थे, या फिर अगर आप कहीं बाहर से हैं, लखनऊ से हैं, मुंबई से हैं, तो आप प्रोडक्ट्स उनके यहाँ कुरियर कर सकते हैं। मतलब उनके यहाँ इनहाउस पूरा उन्होंने स्टूडियो बना के रखा था और आप वो आप उनके यहाँ प्रोडक्ट्स भेजेंगे और प्रोडक्ट्स का पूरा प्रोडक्ट फोटोशूट करके और आपको शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक ज्वेलर हैं तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सीधा प्रोडक्ट भेज देना है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू वो लोग अपना करते हैं, या फिर वो ज्वेलर और एजेंसी के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे भेजते हैं। बट हाँ, वो प्रोडक्ट फोटोशूट करते थे, सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। और 30 रील्स के अराउंड, और उन्होंने कुछ कमिट किए थे अराउंड 100 से 150 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, मतलब जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक तरह से करते हैं, तो 150-200 के अराउंड फॉलोअर्स वो बढ़ाएंगे, फेसबुक गूगल एड्स रन करेंगे, लीड जनरेशन करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, ये सारा वो पैकेज देते थे। और वो एजेंसी सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स के लिए काम करती थी। उन्होंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत सुंदर सा बना रखा था, बहुत अट्रैक्टिव बना रखा था, मतलब अगर कोई भी ज्वेलर जाके ना अच्छा ब्रांड उस पेज को देखता है तो पक्का वो अट्रैक्ट हो जाने वाला है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ये निकल गई, दूसरी क्या है, मैंने कुछ एजेंसीज को ऐसे रिसर्च किया, वो एजेंसीज इंडिया में ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इसमें से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक थे जो सिर्फ डेंटिस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी एजेंसी है, कहीं पे एक हम लोग आते हैं या फिर कोई भी आता है जो सबके लिए करते हैं। मतलब मेरे पास टाइम रियल एस्टेट के भी क्लाइंट है, अलग अलग नेश में अलग अलग इंडस्ट्री में क्लाइंट्स हैं, बट वो जो एजेंसीज हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, वो बहुत ही मतलब कहते हैं स्पेसिफिक इज टेरिफिक। सो वो बहुत ही स्पेसिफिक है और वो सिर्फ एक ही निश के साथ क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, और क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगता है, क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ इस इंडस्ट्रीज की एक्सपर्टीज है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसमें नया क्या हो रहा है। अभी इस मॉडल को ना हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, हमने भी टेस्ट किया है, ठीक है, बताता हूँ कैसे। हाल में हमने किसी एक निश के क्लाइंट को हमने उठाया और इसी निश के अराउंड में 2-3 क्लाइंट्स मिले, हमने उनका वर्क पोर्टफोलियो बनाया
और हमने और ज़्यादा लोगों को पिच किया सेम इंडस्ट्री में। अब मैं एग्जैक्ट निश नहीं रिवील कर सकता हूँ क्योंकि अभी काफ़ी नया टेस्टिंग वेव हो रही है। एक बार थोड़ा हमारे पास और फुल प्रूफ आ जाए सारी चीज़ें, फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें हमने उस इंडस्ट्री में करना स्टार्ट किया। अभी ऑलमोस्ट उस इंडस्ट्री से हमारे पास 12-15 क्लाइंट्स हो गए हैं सेम इंडस्ट्री से। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि काम नया कैसे हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री वाइज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब हम तो सिर्फ इन्हीं का करते हैं और किसी निश में नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास, मैं ज्वेलर का एग्जाम्पल लेता हूँ कि ज्वेलर के मेरे पास 15 क्लाइंट्स हैं। इसमें आसान ये चीज़ें हो जाती हैं। पहली बात तो आप अगर कोई टीम असाइन करते हो या फिर आप खुद करते हो तो आपको मार्केट की ना नॉलेज हो जाती है। आपको पता है कि अगर 15 क्लाइंट सेम स्ट्रेटजी पे भी आप करोगे ना तो काम बन जाएगा, मतलब ठीक है। आप इंडस्ट्री समझ जाओगे, आप उसके जो चैलेंजेस आते हैं वो सारी चीज़ें समझ जाओगे, तो आपको ना हर क्लाइंट में अलग अलग चैलेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो अगर आपके 15 क्लाइंट्स हैं और आपने फोटोशॉप से, कैनवा से, जिससे भी आप बना रहे हो ग्राफिक्स बना रहे हो, तो अगर आपने 10-15 ग्राफिक्स भी हर क्लाइंट को दे रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4-5 क्लाइंट को आप सेम ग्राफिक्स दे सकते हो, मतलब कि आप उनकी ब्रांडिंग चेंज कर सकते हो, उनका कलर का जो थीम पैटर्न होता है वो चेंज कर सकते हो, बट जो एक टेम्पलेट होता है वो सेम रह सकता है। और इसमें ना क्लाइंट को भी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, एक सपोज ये मुंबई का क्लाइंट है, एक लखनऊ का क्लाइंट है, दोनों लोगों को लोकली काम करना है, ठीक है। तो दोनों की मार्केट एकदम अलग है, तो दोनों को ऐसा नहीं सेम ग्राफिक आप दे दोगे, टेम्पलेट सेम होगा, कलर चेंज कर दोगे, ब्रांड नेम चेंज कर दोगे, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो चेंज कर दोगे, बट एक हिसाब से आपका जो इनिशियल टाइम है ना वो बच जाता है, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाने का होता है वो बच जाता है, कंटेंट कैलेंडर बनाने का टाइम बच जाता है, एक दो क्लाइंट का कंटेंट कैलेंडर आप बाकी लोगों पे भी यूज़ कर सकते हो, लैंडिंग पेज जो आप बनाते हो उस पे भी टाइम बच जाता है। मतलब कि अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज क्लाइंट बनाते हो तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। इनफैक्ट अगर आपके पास सिर्फ 2-3 टीम मेंबर्स ही हैं तब भी आप 10-15 क्लाइंट्स आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि वो 2-3 जो टीम मेंबर्स होंगे ना वो प्रॉपर ट्रेन हो जाएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, उनको सारे चैलेंजेस पता चल जाएंगे। तो क्या होगा, उनको जो डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं हम लोगों को, वो उनको आना बंद हो जाएंगे और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको यही इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि यार डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा ना करो कि आप किसी को देख रहे हो कि हाँ भाई ये बंदा रियल एस्टेट में है तो मैं रियल एस्टेट में चला जाता हूँ, या फिर इसका प्रोजेक्ट मिल रहा है तो मैं यही कर लेता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, एक छोटी सी टीम है, या फिर आपका किसी एक दो इंडस्ट्री में भी वर्क पोर्टफोलियो है, आप ये ट्राई कर सकते हो। आप उसी इंडस्ट्री को टारगेट करो, आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी सी बनाओ, मतलब आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उसी इंडस्ट्री रिलेटेड सारी बातें हों, लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसी इंडस्ट्री रिलेटेड बातें हों, यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हो, उस इंडस्ट्री रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं डिजिटल मार्केटिंग में उस पर आप वीडियोज़ बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस मॉडल पर काम करने जा रहे हैं। मेरी जो प्लानिंग है ये है कि अभी मैं एफएक्स रेटिना को लाइक कह सकते हो आप मेन कंपनी, बाकी ना मैं मल्टीपल कंपनीज में फॉर्म करने को सोच रहा हूँ कि हर एक इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग अलग कंपनी। तो अभी मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अभी कुछ इसका एग्जैक्ट अभी मैंने बनाया नहीं है कोई मॉडल, तो अगर कुछ ऐसा प्लान होता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को शेयर करूँगा। बट मेरा यही सजेशन होगा कि मैं खुद इस चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ, आप भी प्लान करिए। आप किसी एक इंडस्ट्री वाइज पकड़िए और उसमें आप अगर पोजिशन करते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजिली आपको क्लाइंट मिलने लगेंगे, 2-3 क्लाइंट काम करने के बाद ही बहुत आसानी से क्लाइंट टारगेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत कम टीम बना के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो, मतलब कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी कर सकते हो और एक्सपेंसेस आपके काफ़ी कम रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर दिन मैं एक वीडियो शेयर करता रहूँ जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं पिछला बहुत से दिनों का, कुछ दिनों का मैं आपको सब कुछ साथ में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ आपको कवर करता रहूँगा, मैं सिखाता रहूँगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप में से कोई भी थोड़ा भी सीख सकता है तो मैं चाहूँगा कि मैं सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो जस्ट आप यस कमेंट करिए और मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।